नमस्कार दोस्तों, अभी अभी की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बलिया नाले ने दोस्तों नैनीताल वालों की नींदें उड़ा दी हैं। लगातार भारी बारिश से बलिया नाला में जबरदस्त भूस्खलन हुआ है। भूस्खलन की वजह से स्थानीय लोग डर गए हैं और यहां आपको बता दें आसपास के सभी घर खाली कर दिए हैं। जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने दोस्तों जानकारी दी है और आसपास के लोगों को तत्काल दोस्तों खाली करने के ऑर्डर दिए हैं। सुरक्षित स्थान पर पहुँचने के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर नैनीताल से आ रही है। सरोवर नगरी नैनीताल कोबलिया नाला लील रहा है। लगातार बारिश से बलिया नाला में जबरदस्त भूस्खलन हुआ है। नैनीताल के बलिया नाला क्षेत्र में एक बार फिर से भूस्खलन होने लगा है और दोस्तों यहां पर आपको जबरदस्त तबाही मच चुकी है। दो दिनों से जबरदस्त मूसलाधार से अत्यंत मूसलाधार बारिश के बाद में बलिया नाला उफान पर आ गया है। लगभग दोस्तों 1 किलोमीटर का हिस्सा पूरी तरीके से दोस्तों खत्म कर दिया है। जबरदस्त भूस्खलन हुआ है। वैसे भी दोस्तों इस समय उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश के अंदर जगह जगह भूस्खलन हो रहा है और भूस्खलन की चपेट में सैकड़ों लोग आ गए हैं। अब तक कई लोगों की मौत हो गई है। हजारों घरों को दोस्तों खाली करा दिया है। कई घर पूरी तरीके से नष्ट हो गए हैं। इस समय उत्तराखंड के अंदर तबाही तबाही मच रही है। लेकिन अब दोस्तों बलिया नाला को लेकर बहुत ही बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। नैनीताल वालों की इस समय नींदें उड़ी हुई है। रात भर जाग जाग कर दोस्तों अपने गाँव की रक्षा कर रहे हैं। और दोस्तों आपको बता दें स्थानीय लोगों का कहना है कि बरसात के समय रात में हो रही भूस्खलन के चलते उनकी रातों की नींद हराम हो चली है। हल्की सी बारिश में लगातार पहाड़ी से भूस्खलन हो रहा है। आप सभी से मेरी विनती है कि इस समय आप दोस्तों पहाड़ी क्षेत्र में ना रहें, ऊंचाई वाले स्थान पर ना जाएं। वहीं दोस्तों आपको बता दें जबरदस्त पहाड़ गिर रहे हैं, पहाड़ दरक रहे हैं। लगातार भूस्खलन की घटना देखने को मिल रही है। इसलिए अलर्ट रहें, सुरक्षित रहें, नदी नालों के पास ना जाएं, पहाड़ी क्षेत्रों पर दोस्तों आप ना जाएं, वहां सैर ना करें। इस समय दोस्तों सबसे तबाही उत्तरी राज्यों के अंदर देखने को मिल रही है। अलर्ट रहें, सुरक्षित रहें। आपके क्षेत्र का मौसम कैसा है कमेंट में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।